नमस्कार, भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ के कार्यक्रम रंगनाद में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे अतिथि हैं बहुमुखी प्रतिभा के धनी अभिनेता राजीव वर्मा जी, जो एक प्रसिद्ध अभिनेता ही नहीं निर्देशक भी हैं और इन सबसे बढ़कर एक अच्छे इंसान है, जो इस दौर की सबसे बड़ी उपलब्धि है। राजीव जी के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि बहुत सारी आत्म स्वीकृतियां हैं, बहुत सारी आत्म स्वीकृतियां हैं, बहुत सारी पीड़ाएं और सांत्वनाएं, बहुत कम समय और बहुत सारी शुभकामनाएं। हालांकि सब परिचित पीछे छूट गए। अब बस एक छोटा सा कमरा है जहां एक सीलिंग फैन अपनी अधिकतम रफ्तार में घूमता रहता है और जहां मैं हर सुबह टूटते हुए बदन के साथ उठता हूं, तब भविष्य वहां पहले से ही मौजूद होता है, ये समझाते हुए कि मुझे अवसाद और नाउम्मीदियों से बचना है थकान और नैराश्य से भी, ईर्ष्या और अधैर्य से भी। मुझे अभिनय नहीं, सच के साथ जीना है। जबकि ये दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है, भरमाएगा आसपास पड़ोस और नगर, लेकिन घृणा नहीं, सब कुछ में यकीन बचाए हुए रखते हुए। स्थितियां अब भी हैं, संभावनाओं से खाली नहीं। मुझे अभिनय नहीं, सच के साथ जीना है। नमस्कार राजीव जी। राजीव जी जो नाम है संभावनाओं का, जो नाम है सकारात्मकता का, जो नाम है मुस्कुराहट का, तो आइए हम सब मिलकर उनका स्वागत करते हैं। स्वागत राजीव जी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपके बहाने मुझे भारतेंदु नाट्य अकादमी के इस मंच पर बात करने का मौका मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी कविता बहुत सुंदर थी। बहुत बढ़िया। तो हम लोग बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। जी सर, बेहतर। जैसा कि मुझे पता चला कि आप तो बिल्कुल एक अलग विधा में पढ़ लिख कर तैयार हुए, आर्किटेक्चर में आपने डिप्लोमा डिग्री सब कुछ लिया, और उसके बाद एक बिल्कुल विपरीत, एक कंट्राडिक्टरी एरिया, एक अलग फील्ड, एक्टिंग। ये कैसे शुरुआत हुई, कैसे इसका प्रारंभ हुआ, विस्तार से बताएं हमें। विभांशु जी, जैसी देखिए, जैसे कि आम होता है हमारे समय में, नाटक या रंगकर्म या रंगमंच से परिचय जो होता है ज्यादातर लोगों का रामलीला से होता है, यू नो। तो वैसे ही मेरा बचपन से रामलीला से बहुत, मेरे पिता इसके, मैं उनका श्रेय पूरा अपने पिताजी को देता हूँ। वो एक संवेदनशील वकील थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे हैं। तो उनके समय में हमारे गांव में उन्होंने बहुत प्रमोट किया रामलीला को, और मुझे बहुत प्रोत्साहित करते थे कि तुम देखो इसको। और छोटा था तो कभी कभी वानर सेना में मुझे शामिल कर लिया जाता था। तो उस समय से ही ये एक चीज थी, एक अंदर से अभिनय की। लेकिन अभिनय का और मंच का, रंगमंच का, रंगकर्म का पूरी तरह से मुझे उसका स्वरूप समझ में नहीं आता था कि ये है क्या, ये किस वजह से है। तो ऐसा नहीं है कि आर्किटेक्चर और विपरीत है या कोई भी पढ़ाई विपरीत है, जो रंगकर्म और अभिनय बिल्कुल अलग है, ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल में मैं तो ये समझता हूँ कि कोई भी विधा हो, वो आपका आर्किटेक्चर या आर्किटेक्ट हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, आपके सेल्समैन हो, मार्केटिंग वाला हो, सब में अभिनय तो आवश्यक ही है। तो ये अभिनय तो साथ में लगा ही हुआ था। हाँ, ये जरूर है कि एज ए प्रोफेशन मैंने बहुत बाद में इसको लिया है अभिनय को। वो मेरे ख्याल में प्रोफेशन के तौर पर तो मैं 1986 से मैं प्रोफेशनल एक्टर हुआ हूँ। उसके पहले तो रंगमंच मेरा, जिसको बोलते हैं ना, शाम को एक पास टाइम, और इसके अलावा लगातार करते रहना, एक पता नहीं है, एक आप तो खुद रंगकर्मी है तो आप समझते होंगे किस तरह से रंगकर्म आपके जीवन से जुड़ जाता है और बहुत आप अलग नहीं हो पाते उससे। और कभी कभी तो ये भी होता है कि आप अभिनय ना कर रहे हो, निर्देशन ना कर रहे हो, लेकिन फिर एक दर्शक हो जाते हैं, तो पढ़ते हैं, नाटक पढ़ते हैं। तो ये मेरा रहा है, और वो इत्तेफाक की बात है कि एक प्रोफेशन बना लिया, इसलिए अलग नहीं है। जैसा आपने कहा, जी नहीं, ये बड़ी अच्छी बात की, मतलब वाकई अगर कोई
रंगकर्मी किसी भी विधा में जाता है या कहीं भी काम करता है तो वो सब अभिनय ही काम आता है, अभिनय नाटक तो हर जगह काम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि व्यक्तित्व जैसे कहते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास की बात हम करते हैं तो रंगमंच से ही कहते हैं। सबसे बड़ा योगदान रंगमंच का है, मैं बताऊंगा, थिएटर जो है वो सबसे बड़ा योगदान व्यक्तित्व निर्माण में और न मनुष्य को संवेदनशील बनाने, बहुत बड़ा योगदान। और जो हमारे आम जीवन में जो हमें कमियां रहती हैं, कई मर्तबा हमें माँ बाप का साथ पूरा नहीं मिल पाता, हमारे बुजुर्गों का साथ नहीं मिल पाता, आजकल तो आम है, एकल परिवार हो गए हैं, तो रंगमंच जो है बड़ा भारी एक उस वैक्यूम को समाप्त करता है और आपके जीवन को परिपूर्ण कर देता है। जी सर, थोड़ा सा आपने जन्म स्थान और वहां की परिवेश के बारे में बताएं कि कहां पैदा हुए और स्कूलिंग कहां, शुरुआती दौर की स्कूलिंग कहां पे हुई। जी जी, मेरा वैसे जन्म स्थान तो होशंगाबाद भोपाल के पास एक टाउन है, जिला है, वहां पर नर्मदा किनारे मेरी पैदाइश हुई थी। और एक दो साल का था तब पिताजी हमारे भोपाल आ गए, क्योंकि भोपाल के पास ही हमारा गांव था, खेती वगैरह अभी भी है वहां पर। तो इस तरीके से हम भोपाल आ गए और भोपाल में स्कूलिंग हुई और जबलपुर में स्कूलिंग हुई, तो ज़्यादातर तो भोपाल में हुई। और उसके बाद भाग्य से यहीं के कॉलेज मौलाना आज़ाद कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, उस समय कहा करते थे MACT, उसमें आर्किटेक्चर में मेरा एडमिशन हो गया। और फिर दिल्ली में से मैंने मास्टर्स किया, दो साल दिल्ली में रहा, फिर लॉ भी कर लिया भोपाल से, सरकारी नौकरी में था इतने साल। तो ये जो मैंने कहा ना आपको कि ये बचपन से जो रंगकर्म या रंगमंच का जो एक लोकप्रिय होने का या लोगों के सामने पहचाना जाने का जो एक एक अंदर से एक लालच उठता है मनुष्य के भीतर, उसी ने शुरुआत में मुझे रंगमंच की तरफ आकर्षित किया। तो ये चलता रहा स्कूल कॉलेज और फिर उसके बाद भी नौकरी के मैं भी चलता रहा, आकाशवाणी के ड्रामा वॉइस भी रहा हूँ मैं, भाई अनाउंसर भी रहा हूँ, तो ये सब लगा ही रहा साथ में। ये एक चीज ऐसी हो गई जो बहुत जबरदस्त किस्म का मुझे हमेशा एनर्जी से भरा रखता था। तो ये मेरी कहानी है पढ़ाई लिखाई की। और पढ़ने लिखने का तो ऐसा है, फिर पढ़ने का और उपन्यास पढ़ने का या साहित्य पढ़ने का, कविताएं पढ़ने का, हिंदी अंग्रेजी, अंग्रेजी कॉलेज से निकलने, कॉलेज में अंग्रेजी शुरू हो गया था, लेकिन हायर सेकेंडरी तक मैंने हिंदी साहित्य भरपूर पढ़ा है। और उसका प्रिय मैं देता हूँ अपनी माताजी को। हमारी माताजी जो हैं वो हालांकि ज्यादा पढ़ी नहीं थी वो, लेकिन उनको साहित्य का बड़ा शौक, और वो बल्कि ऐसा बताती हैं वो कि दहेज में उनको उनके पिताजी ने दो बक्से भर के पुस्तकें दी थी। और वो पुस्तकें जी, और वो पुस्तकों में शरद चंद्र, प्रेमचंद, उस रविंद्रनाथ टैगोर, उस समय के जो राइटर होते थे, उन सारी उनकी कहानियां, उनके शॉर्ट स्टोरीज और उपन्यास सारे मैंने पढ़े। फिर मैं स्कूल के जमाने में पढ़ता रहा, हालांकि उस वक्त मैं कहानियों की तरह पढ़ता था, और उसके बाद अभी फिर से मैंने पढ़ना शुरू किया है, क्योंकि वो उस समय का समझ जो होती है बहुत उतनी परिपक्व नहीं होती, तो अब मैं उनका आनंद दोबारा ले रहा हूं। और जी क्या तो ये पिता से आपको दृश्य रूप, मतलब अभिनेता का, अभिनय का रूप दिखाई दिया, प्राप्त हुआ, और माँ ने शब्द दिए। जी, मतलब साहित्य ने शब्द दिए आपको, क्या बात। अच्छा, पिताजी फिक्शन नहीं पढ़ते थे, वो लॉक बुक्स पढ़ते थे, और उसके अलावा दूसरे जिसकी थी स्पिरिचुअलिज्म पे थी, भारत के इतिहास की थी, और राहुल सांक्रदायन से लेके और सारे उस समय के जितने राइटर्स थे वो वाली पढ़ते थे, उपन्यास वो नहीं पढ़ते, उपन्यास मदर पढ़ती। तो ये मेरा, इसने मेरे ख्याल में सारी चीजें जो है वो अंदर से पूरी चेंज कर दी। वो आर्किटेक्ट तो रहा ही, अर्बन डिजाइनर रहा, लेकिन ये चीजें इंडक्ट हो गई। तो मुझे लगता है कि अब मैं ये जो इस समय का जीवन है बहुत आनंद में गुजर रहा है, साहित्य पढ़ रहा हूँ, उपन्यास पढ़ रहा हूँ, मैगजीन्स पढ़ रहा हूँ, और रंगकर्म कर रहा हूँ। जी सर,
सर एक लंबा वक्फा आपका मुंबई में गुजरा, टेलीविजन कहें फिल्में कहें, इतना नाम इतनी शोहरत के बाद अचानक रंगमंच के लिए बिल्कुल भरपूर वापसी एक तरह से ना, जैसे कहते हैं घर वापसी, मतलब जी जी बिल्कुल वापस लौट के जाना, तो कैसे कैसे संभव हुआ ये, कैसे ऐसे इरादा बना लिया, क्योंकि ऐसे महानगर में आके और ऐसी मायावी नगरी में आके लौट पाना तो दुष्कर काम है सर। जी बिल्कुल आपने सही कहा, बहुत दुष्कर काम है, क्योंकि एक तो वो रंग रोगन जो लोग रोज लगता है, और वो फिल्म का और टेलीविजन का जो एक मन का झनका और पूरा ग्लैमर होता है वो आपको छोड़ता नहीं है, और अभी भी नहीं छोड़ता, अभी भी जो है वो पीछे ही रहता है, आगे पीछे घूमते ही रहता है। क्या था देखिए, इतने बरसों तक मैंने काम किया, और जैसा कि हम थिएटर में करते हैं, थिएटर में हम अपना सेलेक्टिव काम करते हैं, जो हमें पसंद आता है हम उस नाटक को सेलेक्ट करते हैं, जहां अभिनय करने की होती है वहां भी हम अपना कैरेक्टर सेलेक्ट करते हैं। बंबई में ये गुंजाइश नहीं, बंबई में क्या है कि आपको अगर प्रोफेशन की तरह है ना, तो फिर आपको रोजी रोटी चलाने के लिए कई मर्तबा ऐसे काम करना पड़ते हैं जो आपकी पसंद के होते ही, और जिसमें कुछ भी नहीं होता, सिर्फ आपको पैसा दिखता है, आपको किचन चलाना है, आपको घर का किराया देना है, आपको वहां जो अपना सर्वाइव करना है बंबई में, ये एक थी। तो कई वर्षों तक तो मैं ये झेलता रहा, उसमें ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत से किरदार ऐसे भी किए जो मेरी पसंद के थे और पॉपुलर भी हुए, लोगों को बहुत पसंद आए, उसकी प्रशंसा भी बहुत मिली मुझे, और उसी की वजह से आप मुझे यहाँ आज इन्वाइट भी कर रहे हैं। ये एक बिल्कुल सत्य है कि केवल थिएटर पर्सन होता तो होता, इतना लोकप्रिय नहीं हो पाता मैं, लेकिन वो एक एडेड मेरी क्वालिफिकेशन रही। उसके बाद एक अरसे के बाद हुआ ये कि वो बड़ी मोनोटोनस कैरेक्टर्स मुझे मिलने लगे। अभी का समय अलग है, अभी बहुत अच्छा समय आ गया है फिर से, लेकिन वो जब तक मैं करीब 3 साल पहले से मैंने बंद ऑलमोस्ट वो छोड़ ही दिया, जाता आता हूं बहुत कम, तो वहां उस समय जो है वो ऐसा लगा कि जो कैरेक्टर मिल रहे हैं वो रूटीन कैरेक्टर मिल रहे हैं, वही जो मैं पहले कर चुका हूं, उसमें कुछ नया करने को नहीं है कुछ। एक्टर एज एन एक्टर जो है वो एक अंदर से बड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो गया। तो फिर सोचा कि भाई अब नौकरी छोड़ चुके हैं, सिर्फ पेंशन है हमारी, और क्या करेंगे। तो इस बीच में यहाँ कुछ हमने रोजी रोटी का अपना जरिया कर लिया, हमारा एक मकान था उसको हमने होटल में तब्दील कर दिया, तो वो जो एक समस्या थी हमारी वो खत्म। तो फिर हमने कहा कि भाई अब ठीक है, बहुत साल कर लिए, 35 साल के लगभग हमने टेलीविजन सिनेमा, हालांकि वहां भी थिएटर किया मैंने, वहां एक हमारे अभिन्न मित्र हैं, आप तो खैर बंबई में ही हैं, ओम कटारे, उनका यात्री 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 एक थिएटर चलता है उनका, तो हमारे अपने दतिया के हैं, हमारे मध्य प्रदेश के ही हैं, तो इस तरीके से उनसे संपर्क बढ़ा और फिर हमने उनके साथ नाटक करना शुरू किया। लेकिन फिल्म और टेलीविजन की शूटिंग की वजह से इतनी व्यस्तताएं रहती थी कि कम ही कर पाते थे, लेकिन बावजूद इसके हमारा एक दो नाटक मैंने उनके साथ किए, एक नाटक तो छू मंतर वसंत कानेटकर का, जो मेरा लगभग 7 साल चला है, 350 शो मैंने किए किया, लेकिन उतना नाटक उतना कर नहीं पाते थे अधिक। तो ये तबीयत मेरी जरा भर गई, अब मैंने कहा भोपाल चलते हैं और कुछ दिन वहां रहते हैं, कुछ ब्रेक ले लेते हैं, टेलीविजन लगातार ही टेलीविजन, हर महीने में 20-25 रोज मुझे शूटिंग करनी पड़ती थी, और शुरू शुरू में तो कैरेक्टर जरा अच्छा लगता था, बड़ा लुभावना भी बताते थे जो चैनल के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं, वो लुभावना करके बताते हैं आपके कैरेक्टर को, लेकिन ग्रेजुअली वो उसका एक ग्लैमर खत्म होने लगता है या उसकी वो जो। तो फिर मैं आखिरी मेरा प्रोजेक्ट मुझे याद नहीं कि जी टेल उस पे था, चैनल पे था, उसके बाद मैंने कहा मैं चलता हूँ भोपाल, अगर कोई अच्छा आएगा तो मैं वापस आ जाऊंगा यहीं पर, वहां घर है अपना, लड़का वहीं सेटल हो गया है छोटा, तो यूं मैं यहाँ वापस आ गया। साल भर करते रहे यहाँ, थिएटर करते रहे यहाँ से, कभी जाके शूटिंग करते रहे, इस बीच में ये भाग्य से
सॉरी मैं भागे बोल रहा हूँ, लॉकडाउन लग गया तो मैं यही रह गया था दो साल। लेकिन वो संभावनाएं बनी हुई, संभावनाएं तो बनी हुई है ना कि आप भोपाल से मुंबई आ सकते हैं। जी जी वो अब तो क्या है, सब हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में और सभी जगह मेरे ख्याल में भोपाल बम्बई से बाहर ज्यादा शूटिंग होने लगी है। मुझे लगता है हमारे मध्य प्रदेश में इस वक्त 40 शूटिंग लगभग चल रही हैं, सीरियल्स की, वेब सीरीज की, सिनेमा की। और इसके अलावा अब कई लोग जो हैं वो यहीं इस पे संपर्क करते हैं और मैं कह देता हूँ यार बम्बई में शूटिंग करोगे तो मैं नहीं कर रहा, बाहर कहीं करना हो तो करो, तो उस तरीके से लगा हुआ है। लेकिन उसके साथ मेरा ये जो रुका हुआ था ना, ये जो ब्रेक में ब्रेक आ गया था थिएटर रंगकर्म, ये बड़े सघन तरीके से शुरू हो गया। और इत्तेफाक से हालांकि इतने बरस से मैं जरा थोड़ा इतने नए लोग हो गए थे यहाँ पर, उनसे संपर्क नहीं था। और हालांकि मेरी पत्नी आती जाती थी, वो यहाँ करती भी रहती थी, तो फिर हम दोनों ने हमारी पुरानी संस्था थी भोपाल थिएटर्स उसको शुरू किया और यूं मैं वापस आ गया हूँ भोपाल। और जी जी तो आप दिख ही रहा है कि इन दिनों कितने सक्रिय हैं आप रंगमंच में, थिएटर में, एक के बाद एक नाटक और कई शोज उसके फेस्टिवल में भागीदारी, तो ये अच्छी एक पहल है। और सर क्योंकि इतना काम आपने थिएटर में तो किया ही है, फिल्मों में, टेलीविजन में किया है, तो दोनों के जैसे विधा अलग है, मीडिया अलग है, क्योंकि ये नए लोग जानना भी चाहते हैं जो थिएटर से फिल्मों में आते हैं, टेलीविजन में आते हैं, कि उनके अभिनय पद्धति में कोई अंतर है फिल्मों के, टेलीविजन के अभिनय में और मंच के अभिनय में, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये हम अपने दर्शकों के लिए जानना चाहेंगे। देखिए अभिनय तो एक ही है, जो आप अभिनय नॉर्मली करते हैं, किसी भी किरदार को निभाते हैं, वो तो एक ही है। फिल्मों और टेलीविजन में सिर्फ एक फर्क है, आप कैमरे से, कैमरे के सामने परफॉर्म करते हैं और यहाँ आप ऑडियंस के सामने, लाइव ऑडियंस के सामने परफॉर्म करते हैं। इसमें आपको बहुत सी टेलीविजन और सिनेमा में बहुत सी तकनीकी आपको मदद मिल जाती है, आपके पास वॉइसिंग उतना जोर से बोलने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने जैसे प्राकृतिक रूप से जैसा बोलते हैं वैसा कहिए, बल्कि वो ज्यादा मौजू रहता है क्योंकि आपके पास कॉर्डलेस माइक होगा या डबिंग हो जाएगी कोई। ऐसा ही जो आपको वो बारीकी जो है, जो एक्सप्रेशन और आपके भाव भंगिमा की जो बारीकी है, जो वो है, वो आपको उतना लाउड करने की आवश्यकता नहीं है जैसे कि आप थिएटर में करते हैं। यहाँ पर बहुत सटल तरीके से आप पूरे अपने भाव को दिखा सकते हैं, आपके क्लोजअप में दिखा सकते हैं, और आपके जो इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण सीन होते हैं उसमें अगर आपके ऊपर है वो, तो ये सिनेमा और कैमरा जो है वो आपको अच्छी तरह से उसमें पकड़ लेता है। और फिर जो एडिटिंग और उसके बाद जो जाता है रिजल्ट, बैकग्राउंड म्यूजिक होता है, सारी चीजें लग जाती हैं। तो ये एक बहुत अलग अलग, ये है अभिनय एक ही है, अभिनय में कोई ऐसी नहीं, सिर्फ ये तकनीक सीखने के लिए आपको अलग से प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है, जो एक तो जिसके लिए आप बहुत से स्कूल और खुल गए हैं और सिखाते भी हैं, कैमरा में आपकी एक्सरसाइजेस भी होती हैं, इसके अलावा आप करते करते भी बहुत सी चीजें सीखते हैं, आप जैसे कहाँ से कहाँ तक चलना है, वो डिस्टेंस पूरा नाप तोल के रहता है, पूरा आपका वॉकिंग, आपका एक्टिंग एरिया जो है पूरा नपा तोला रहता है। जहाँ स्टेज पर तो हमारा निर्देशक उसके बाद छोड़ देता है, क्योंकि वो जिसको मैं तो बोलता हूँ ना अपने एक्टर्स को कि भाई अब तुम्हारे हवाले है पतन साथियों, अब तुम जो करोगे वही सामने आएगा। रिहर्सल तक तो हम तुम लोगों को टोक सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन ये तो आप तुम्हारे हाथ में है, यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर जो है आपको पूरा सदा हुआ, पूरा कंप्लीट, और कभी कभी निर्देशक को पसंद आ जाता है कि आपको छोड़ देता है कि आप करिए जो भी करना है, और वो अपने 2-3 कैमरे से जो भी उसमें आवश्यक शॉट्स हैं वो उनको लगा के आता। तो ये एक फर्क है, लेकिन ये अभ्यास की बात, अभ्यास की और एक टेक्निकल जो आपको जरूरत होती है ट्रेनिंग की, वो जरूरत होती है। सर आपने कहीं से ट्रेनिंग ली थी? नहीं, मैंने ट्रेनिंग नहीं ली, मैं तो ये मैं आपको बताऊं, मेरा पहला, अब वो 86 की बात है जब सिर्फ दूरदर्शन एक चैनल था और उस वक्त ऐसे कोई स्कूल भी नहीं थे,
वहां पर नया नया सोप शुरू हुए थे, सोप ऑपरास, हमें याद है। हम लोग वहां, मैं मास्टर्स कर रहा था, बल्कि कोर्स करने गया था मैं अलग से दिल्ली में, तो उस वक्त वहां हम लोग शुरू हुआ था, आपको अगर याद हो, दूरदर्शन पे, और एक ही चैनल था। तो धीरे धीरे ये बता गया, उसी वक्त उन्हीं दिनों मुझे वहां वहीं रहते रहते मुझे ऑफर मिला था, क्योंकि थिएटर मेरा मालूम था लोगों को, कारण जी से ट्रेनिंग भी ले चुका था मैं, चुनौती करके एक सीरियल दूरदर्शन पे आया था, जो एजुकेशन शिक्षा पद्धति पर था, क्योंकि उस समय आपको याद होगा शिक्षकों की बड़ी खराब हालत थी, हमारे कॉलेज में भी उतना वो नहीं था, इसके अलावा शिक्षकों की तनख्वाहें बहुत कम थी, अब तो बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छी हो गई है, बहुत बढ़िया हो गई है, कॉलेज में, स्कूल में, सब जगह, और कितना प्रचार प्रसार हुआ है उसकी वजह से। तो उस समय उस पर वो सीरियल बनाया गया था, और बड़ी उसमें एजुकेशन मिनिस्टर जो थे, स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर महाराष्ट्र के, वो भी उसकी राइटिंग में इन्वॉल्व थे, ऐसा मुझे बताया। तो वो एक स्क्रिप्ट तैयार हुई थी, उसमें वो ऐसा किरदार ढूंढ रहे थे जो जो कहीं ज्यादा एक्सपोज नहीं हुआ हो, जिसको प्रिंसिपल की जो भूमिका थी, सेंट्रल कैरेक्टर था, उसके लिए कोई ऐसा जाना पहचाना चेहरा नहीं चाहिए था, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया। तो इस तरीके से मैं तो थिएटर करता था, मैंने कहा भाई ये तो फिर एक्सटेंशन ऑफ थिएटर सोच के मैंने वो एक्सेप्ट कर लिया, शूटिंग हुई। मैं आपको सच बताऊं विवांशु और जो भी लोग सुन रहे होंगे, मुझे अब तो खैर वैसा नहीं होता, मुझे अपना मुर्गा साहब बहुत अच्छा, बड़ी तारीफें हो रही हैं, अच्छा क्योंकि अफसर ही थी, अफसर थे हम शासन में, तो मैं उस वक्त यहाँ जॉइंट डायरेक्टर था, तो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट में, तो ऐसा लगता था कि वो अफसरी जो है वो प्रिंसिपल का जो कैरेक्टर था वो उसमें थोड़ी सी दर्शित हुई दिखी, तो उन्होंने कहा बड़ा बढ़िया प्रिंसिपल कर, एनीवे बड़ी प्रशंसा हुई। मैंने जब उसको एक दो एपिसोड अपने देखे तो मुझे ऐसा लगा, ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो जो हम लोग बड़े संवाद बोलते हैं ना स्टेज पे रामलीला में, और उस पे जो वैसा मुझे लग रहा था कि मैं वैसा परफॉर्म कर रहा हूँ। फिर धीरे धीरे विपांशु जी, वो मैंने वहां नहीं सीखा, मैंने शूटिंग के दौरान ही धीरे धीरे अपने आप को मैं ट्रेन करता गया, कैमरामैन से बात करता था मैं, डायरेक्टर से बात करता था, राइटर से बात करता था, अपने तलफ्फुज की ओर, अपनी आवाज तो खैर रेडियो ने मेरी बहुत साफ कर दी थी, तो माशाल्लाह उसका मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा आकाशवाणी का। तो वो एक चीज मुझे हेल्प की है, अदरवाइज कोई प्रॉपर मैंने इसकी ट्रेनिंग सिनेमा और टेलीविजन के लिए तो नहीं, ये सिर्फ मैंने सीखा करते करते ही सीखा। और इत्तेफाक से पहली फिल्म जो मिली मुझे वो उसमें भी बहुत सीखने को मिला, क्योंकि उसमें सब नए, सब फर्स्ट टाइमर थे, यहाँ तक कि हमारा हीरो पहले पहली मरतबा कर रहा था, कोई मेन लीड एक आध कहीं किया था उसने, हमारा डायरेक्टर की पहली फिल्म थी सूरज की, और लड़की जो थी जो हीरोइन उसकी भी पहली फिल्म थी, उसमें बहुत से फर्स्ट टाइमर थे जो फिल्म पहली बार कर रहे थे। हमारे एक मित्र उसमें थे, अब चले गए वो, अजीत वाछानी, वो भी एनएसडीएम थे, वो भी एनएसडी के ही थे, और तो इस तरीके से वो उन सबके बीच में रह रहे के मैं सीखना। और देखिए ये प्रोसेस जो है एज एन एक्टर और एज ए डायरेक्टर, आपको जिंदगी भर सीखना पड़ता है, और सीखने का आपको मजा लेना पड़ता है, यू रियली हैव टू एंजॉय लर्निंग द प्रोसेस ऑफ एक्टिंग एवरी टाइम एट एनी एज, यू नो, उसका कोई रुकावट नहीं होना चाहिए, तब उसका आनंद है। तो ये मैंने सीखा था उनसे, हमारे गुरु श्री स्वर्गीय श्री बेबी कारंत से, तो उन्होंने हमें सिखाया था, मतलब सिखाया एग्जैक्टली डायरेक्टली ये नहीं कहा, लेकिन उनका जो पूरा प्रोसेस था सिखाने का वो ये हमें बताता था कि हमें यही करना चाहिए। तो इस तरीके से सब मैं, अदरवाइज मैंने कोई ट्रेनिंग ले ली, वो मेरे भी गुरु रहे हैं, तो हम लोग तो गुरु भाई निकले, बिल्कुल बिल्कुल मेरे भी गुरु रहे हैं। हाँ जी जी, मैंने 73 में हमारी वर्कशॉप हुई थी, दो महीने की वर्कशॉप थी, और भोपाल मध्य प्रदेश में इस तरीके एक तरीके की एक ही वर्कशॉप थी, और उसके बाद मैंने उनके साथ 4 प्लेस किए अलग अलग वक्त में किए, लेकिन वो जो प्रोसेस था 2 महीने का, वो मेरे लिए बड़ा एक आंखें खोलने वाला, दिमाग खिड़कियां खोलने वाला, दिमाग की
कि भाई थिएटर वो नहीं है जो हम समझते हैं कि मंच पे जाके और हंसाना लोगों को और कुछ भी बोल देना, मिमिक्री कर देना और तालियां बटोर लेना और वाही वाही, ये नहीं है थिएटर। एक बड़ी अजीब, थिएटर इज अ वे ऑफ लाइफ, ये जिंदगी जीने का एक तरीका है थिएटर, जिंदगी का आनंद लेने का, जिंदगी को एक परिपूर्ण बनाने वाला एक एक विधा है जो प्रत्येक व्यक्ति को वो किसी भी प्रोफेशन में उसको सीखना आवश्यक। और मैं बड़ा खुश हुआ जब हमारे भारत सरकार ने अभी कुछ दिन पहले कलाओं को शिक्षा उसमें कंपलसरी किया है, स्कूलों में अब शुरू हो गया है एजुकेशन पॉलिसी में, एजुकेशन पॉलिसी में। मतलब आपने सीख सीख के अपने आप को परिपक्व बनाया है और ये बड़ी बड़ी अच्छी बात है, ऐसे तमाम लोग हैं सर। लेकिन एक लंबी यात्रा रही है आपकी, मतलब अभिनय में कहें, रंगमंच में कहें, कभी जीवन में किसी हताशा निराशा का सामना करना पड़ा? मैं समझता हूं कि कोई ऐसी निराशा मुझे अब महसूस नहीं होती कि उस वक्त निराशा हुई होगी। मुझे लगता है कि वो ट्राइंग पीरियड था। जैसे कभी कभी ये होता था खासतौर से बंबई में कि कुछ दिन काम नहीं है, दो या चार रोज, पांच रोज काम नहीं है, या कई मरतबा शूटिंग कैंसिल हो जाती थी, तो फिर निराशा होती थी, क्या करें, घर में कुछ करने को कुछ है नहीं। आज आप बच्चे मेरे हॉस्टल में थे, पत्नी भी यहाँ, वो भी नौकरी करती थी, तो उस समय निराशा का एक माहौल दिमाग में आता रहा। एक दो मरतबा तो ये हुआ कि मुझे अच्छी तरह से याद है कि मकान का किराया भी हम निकाल नहीं पा रहे थे, पुरानी बात है उस वक्त की, मेरे ख्याल में 1989-90 के आसपास की बात है, तो किराया भी देना है और काम नहीं है, मतलब 15 रोज काम नहीं है, क्योंकि इतने सारे चैनल उस वक्त शुरू नहीं हुए थे। परंतु वो धीरे 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 उससे लड़ते लड़ते किसी तरीके से निकल आए। तो निराशा उस वक्त ऐसी निराशा नहीं हुई कि ये अच्छा, ये हमारी खासतौर से फिल्म इंडस्ट्री का ये बड़ा है, आदमी निराश नहीं होता। अभी भी मैं देखता हूँ बहुत से बच्चे जाते हैं, उस वक्त भी थे, वो भले ही उनके पास काम नहीं है, बिल्कुल नहीं है, इधर उधर मांग के काम चला रहे हैं, लेकिन निराश नहीं होते थे कि भाई कल कुछ अवश्य होगा, उम्मीद बनी रहती है। ये मुंबई की खासियत है, मुंबई की खासियत। और मैं खासतौर से इस इंडस्ट्री में किसी कोई नाउमीद होता ही नहीं है, निराश जरूर होता है लेकिन नाउमीद नहीं, ये बड़ी बात। और स्कूल मैंने ऑफिस के जमाने में जरूर एक मरतबा मेरी पोस्टिंग जो थी इंदौर में थी और मुझे थिएटर करना था, तो मैं, मेरा ग्रुप यहाँ पर भोपाल में था, उस वक्त नई नई पोस्टिंग हुई थी, और वहां से मैं तो कहता था मैं छुट्टी लेके आऊंगा और करूंगा, और वही मैंने किया। तो उस वक्त जो है मेरे जो सीनियर थे वहां पर, जो मेरे बॉस थे, उन्होंने मेरी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट खराब कर दी, मगर लगातार 3 साल तक उन्होंने खराब की। एक बॉस आया, उन्होंने खराब की, फिर उसके बाद दूसरे आए, उन्होंने खराब की। तो उस वक्त मुझे जरूर निराशा हुई कि यार मैं क्या करूं, अभी मेरी 4-5 साल की नौकरी हुई है और मुझे ये है कि मैं क्या करूं, मैं थिएटर करूं या नौकरी ही करूं। लेकिन बांध लिया मुझे साहब थिएटर ने, मैंने अल्टीमेटली सोचा कि मैं करूंगा तो थिएटर ही, और इस पे कोई रोक नहीं होगी। और सौभाग्य से उस समय हमारे यहाँ जो यहाँ पर सेक्रेटरी थे, यहाँ पर एजुकेशन के सेक्रेटरी, कला परिषद के भी रहे हैं, जिन्होंने रंग शिविर आयोजित किया था, जिन्होंने भारत भवन में बड़ा योगदान था, श्री अशोक वाजपेयी, आपने नाम भी सुना होगा, उन्होंने हमारी मदद की और उन्होंने हमारे विभाग को पत्र लिखा और हमारे बारे में लिखा, और तब जाके वो ठीक हुआ। और तब फिर मेरा जो है वो छुट्टियां, बल्कि उसका असर ये हुआ कि और भी विभागों में जो रंगकर्मी काम कर रहे थे उन पर भी जो है ये इस तरह की जो सख्ती की जाती थी वो कम हो गई। लेकिन अभी भी हमें स्पोर्ट्स मैन का दर्जा नहीं दिया जाता शासकीय कर्मचारी, वो कहीं भी नहीं दिया जाता। जितनी सहूलियत, जितनी इस अपने काम को करने की आज़ादी स्पोर्ट्स मैन को रहती है, वो कलाकारों को नहीं है, भले ही वो संगीतकार हो। हाँ, कोई पर्सनल कोई एक बॉस उनका अगर ऐसा आ जाता है जिसको ये सब विधा पसंद है, ये सब संगीत पसंद है, नाटक पसंद है, तो जरूर सहूलियत मिल जाती है, अलग वाली नियमों में कहीं नहीं। ये इसके लिए हमको लड़ना है विभांशु जी,
मैं आप मैं हमारे भारतीय एकेडमी भारतीय हिंदू नाट्य अकेदमी से भी गुजारिश करूंगा, रविंद्र खरे जी भी हैं यहाँ ना आज, रवि जी है? वो अध्यक्ष चेयरमैन अध्यक्ष है ना, उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि इस पर काम करें कि हम रंगकर्मियों को, हम कलाकारों को भी उसी प्रकार से सुविधाएं दी जाए जिस प्रकार से स्पोर्ट्समैन को दी जाए। ये निराशा, जी बिल्कुल निराशा ऐसी सच नहीं हुई, और मैं मुझे समझता हूँ कि हर हर कलाकार को निराशा से अवश्य अवश्य गुजरना चाहिए ताकि वो और मजबूत होता जाए अपने काम में। क्योंकि किसी कवि ने कहा है कि दुख आपको मांझता है, मांझ के निखारता है, आपकी कलई साफ करता है। जी जी जी, वो बहुत अच्छी बातें सर हो रही हैं। सर हम वापस अपने रंगमंच पे आते हैं कि इन दिनों तकनीक का बड़ा बोलबाला है जी। इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, वो उसका असर हमें लाइटों में, सेट पे, कॉस्ट्यूम में इतना बहुत ज्यादा, तो कभी कभी लगता है उस प्रभाव के चक्कर में कंटेंट कहीं दिखता नहीं, अभिनेता कहीं दिखता नहीं है, इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे लगता है कि जो निर्देशक हैं वो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट चुनते हैं जिनमें अभिनेता जो है वो उतना उभर के नहीं आता, वो ज्यादा फॉर्म और तकनीक और म्यूजिक और लाइट्स और इसकी गिमिक्स में वो जो अभिनेता का जो इंडिविजुअल एक 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 इंडिविजुअल जो उसका कंट्रीब्यूशन है थिएटर में वो कमजोर पड़ जाता है। ये आपका कहना बिल्कुल सही है, और विशेष तौर से इन दिनों में जो जिस तरह के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ये जिसमें लोक नृत्य शामिल है, जिसमें पूरी पूरी टोटल थिएटर जिसको बोलते हैं वो शामिल है, उसमें जरूर तकनीक का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, और इस वजह से आपका कहना सही है। परंतु ये तो एक समय है, कुछ समय बाद जैसे अभी मुझे लग रहा है कि दर्शक जो हैं वो अब भर गए हैं ये सब देख के, इस तरह की चीजें उनको वो रियल स्टेज चाहिए, उनको थिएटर चाहिए, उनको उनको कहानी दिखना चाहिए। अभी देखिए हमारे यहाँ भोपाल में अभी बहुत दिनों से वो आजादी के 75वें वर्ष पर जो कार्यक्रम चल रहे थे, जो नाटक चल रहे थे, उसमें बहुत कम अभिनय की गुंजाइश रहती थी। आपको वो उस आजादी के जो आपका हीरो रहा है उस पर एक कहानी बतानी है, तो वो भी पूरी गाने बजाने में और पूरे उसके उसमें निकल जाती थी, तो उतनी गुंजाइश नहीं रहती थी, तो वो आदमी थक गए थे, ऑडियंस कम होने लगी थी धीरे धीरे। ये उस तरह से नहीं है कि भाई आजादी के महोत्सव बनाने के लिए या 75वां वर्ष मनाने के लिए हमें नहीं करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, लेकिन उससे थिएटर थोड़ा पीछे गया, एक्चुअल थिएटर पीछे चला गया। अभी जो जाके पिछले 3-4 दिनों में मैंने जो प्लेस देखे यहाँ पर, अभी कल ही मैंने देखा, ये याद थी एक हमारे बालू जी का, बहुत बढ़िया प्रोडक्शन हुआ, और उसमें फिर वही थिएटर का हमें याद आ गई, हालांकि पौराणिक कथा है वो, परंतु वो जो थिएटर का आनंद था वो कल मुझे बहुत आया, बहुत अच्छा लगा। तो ये हर वक्त नहीं रहेगा विभांशु जी, ये थिएटर में उतार चढ़ाव और ये तकनीक का इस्तेमाल होता है, और हमें कुछ चीजों में तो लेना ही चाहिए, जैसे माइक्स आजकल, क्योंकि ऑडियंस को ठीक से एक एक लाइन सुनाई देना चाहिए, लाइट्स में हम लोगों के ऑपरेशन जो है वो आजकल बहुत आसान हो गए हैं, म्यूजिक हमारा रिकॉर्डेड भी होता है, लाइव भी होता है, रिकॉर्डेड आजकल ज्यादा आसान हो गया है बिकॉज उसको कहीं भी ले जाना बहुत आसान होता है इतने सारे लोगों को ले जाके, तो इस तरीके से इनका एक एडेड वो भी है, फायदे भी हैं हमको, और ये चीजें बदलती रहेंगी, चेंज होती रहेंगी। अब जैसे भीड़ को ले जाना कहीं पर, अब जैसे कहीं भी मैं अगर लखनऊ भी आऊंगा तो मैं चाहूंगा कि ऐसा प्ले लेके जाऊं जिसमें कम लोग, ताकि आयोजक को भी कम खर्चे में उनका ठहराना आना जाना सब सुविधाजनक हो सके, तो वो एक है, तो उसमें ले जाने के लिए फिर कम लोग उसमें नहीं होते जिसमें भीड़ भाड़ वाले अपने नाटक होते हैं,
10 20 25 15 लोग होते हैं तो उनको ले जाना लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा, इसमें कोई वजह नहीं है। और ये थिएटर अगर निरंतर इसी तरह चलता रहे तो इसमें बदलाव हमेशा स्वागत योग्य रहेगा, ऐसा मैं समझता हूँ। मौजूदा हालात में, वर्तमान में सर, एक सवाल काफी दिनों से मतलब गाहे बगाहे हमारे भी दिलों में पैदा होता है, लोगों के मुंह से भी ये आवाज आती है, आप भी एक दो कमेटियों में रहे हैं भी शायद जी। तो ये जो ग्रांट का थिएटर चल रहा है इन दिनों, पिछले 2-3-4 साल से या जो भी वक्फा होगा, ये ग्रांट का थिएटर हमारे हिंदी रंगमंच को कितना लाभ दे रहा है या कितना नुकसान कर रहा है, उसके बारे में कोई टिप्पणी आपकी? जी बिल्कुल, मैं जरूर कहना चाहूंगा। देखिए, ग्रांट तो बहुत आवश्यक है, ये मैं समझता हूँ, क्योंकि कोई भी कला जो है राजाश्रय जब तक प्राप्त ना हो, और ये अभी से नहीं, कालिदास के जमाने से उसी वक्त से चली आ रही है, जब तक राजाश्रय प्राप्त नहीं होगा कोई भी कला पनप नहीं सकती। उसकी कई वजह हैं, क्योंकि कलाकार जो है वो, अगर वो सिनेमा है तो एक अलग चीज है, वो तो एक बिजनेस है, उसको तो मैं मानता ही नहीं थिएटर में। लेकिन ये कलाएं जो हैं जिसमें आदमी अपनी शौक से करता है ये काम, इसमें लिप्त होता है, तो अगर शौक तक ही सीमित रहे तो ठीक है, लेकिन जब पूरे समय उसको करना है तो उसके लिए रोजी रोटी तो चाहिए, तो ग्रांट तो बहुत आवश्यक है। मैं बिल्कुल बिल्कुल मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि ग्रांट तो मिलना चाहिए, लेकिन उस ग्रांट से एक सार्थक रंगमंच भी होना चाहिए, एक उसकी गुणवत्ता भी बनी रहनी चाहिए, मतलब प्रस्तुतियों की गुणवत्ता भी होनी चाहिए। सिर्फ ग्रांट लेने के लिए ही, सिर्फ जीविकोपार्जन के लिए ही ना ठहर जाए, जिस मकसद से मिला है वो मकसद भी सामने आना चाहिए, वो मकसद पूरा। जी बिल्कुल सर, बहुतायत आपने जैसे फिल्मों और टेलीविजन में इतना अभिनय ही किया, अब आप निर्देशन भी कर रहे हैं नाटकों में, आनंद किस में आ रहा है? अब निर्देशन तो मैं एक्चुअली थिएटर में 82 में मैंने अपनी नई संस्था बनाई थी भोपाल थिएटर्स करके, तब से निर्देशन ही कर रहा हूँ। एक्टिंग का तो मुझे मौका बहुत कम मिलता था, कोई दूसरे अपने ग्रुप में बुला लेता था, तो मेरा ये रहता है कि किसी भी ग्रुप में काम कर सकता हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे एक ग्रुप के लोग एक ही में करते हैं। तो मैं अभिनय दूसरे ग्रुप में करता था, निर्देशन अपने यहाँ करता था, तो 82 से ही कर रहा था, और वही बीच बीच में भी करता रहा मैं, ऐसा नहीं है, बीच में भी मैंने किए। तो मैं आपको सही बताऊं विवंशु, सबसे ज्यादा आनंद आता है एक निर्देशक के रूप में कार्य करने में, क्योंकि आप जितने किरदार मंच पर देखते हैं वो आप अपने आप को उनमें पाते हैं। और मेरा बहुत आनंद, कारण जी का एक मैं बताऊं, कारण जी क्या करते थे, जब शो चल रहा है ना तो वो हॉल में नहीं रहते थे, वो पता नहीं कहीं बाहर कहीं कोने में बैठ के अपना कुछ काम कर रहे होते, अगले प्रोजेक्ट के लिए या कुछ भी कर रहे होते। मेरा मजा, मुझे मजा आता है मैं सामने बैठ के देखता हूँ अपने प्ले को, और उसमें दो बातें होती हैं, एक तो मैं नोट भी कर लेता हूँ कि भाई अगले शो में क्या सुधार करना है, एक ऑडियंस को क्या ज्यादा भारी लग रहा है, कहाँ बोरिंग है, कहाँ ड्रैग कर रहा है, ये भी नोट कर लेता हूँ। दूसरा, मुझे आनंद बहुत आता है, मेरी पत्नी मुझसे पूछती है आप इतनी रिहर्सल देखते हैं उसके बाद भी शो में, मैं कभी कभी नोटिस पढ़ती हूँ तो आप बड़े आनंद ले रहे हैं, जैसे मेरा एक कॉमेडी प्ले चल रहा है अभी, मेरे ख्याल में 20-22 शो हो गए उससे, तो मैं हमेशा उसी तरह हंसता हूँ जैसा मैं रिहर्सल में हंसता हूँ, मुझे मजा आता है, मुझे आई रियली एंजॉय एज अ डायरेक्टर वॉचिंग माई कैरेक्टर्स, माई ड्रामा बींग परफॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ मी विथ ऑल, जो भी मैंने सिखाया है, जो सीखे हैं, वो मेरा जो टेक्निकल टीम है वो सारी अपने आप परफॉर्म करती, अपने आप सारे कार्य, जैसे कि सेटिंग वाला है या लाइट्स है या म्यूजिक है या जो बैक स्टेज है, तो वो सब अपने सिंक्रोनाइज हो जाते हैं। अगर मैं ज्यादा इन्वॉल्व रहता हूँ, एक प्ले मैं करता था, आज से वो प्ले मैंने करीब 30-35 साल पहले किया था, उर्दू प्ले था, तो उसमें मैं डायरेक्ट किया था, मैंने छोटा सा एक कैरेक्टर भी किया था। उसके बाद जब मैं दोबारा रिवाइव किया तो मैं बुजुर्ग हो गया था, तो मैं वो कैरेक्टर कर नहीं पाया, तो मैंने फिर, हमारे एक मित्र हैं वो करते थे, इत्तफाक से दुर्भाग से उनकी कोरोना में डेथ हो गई, तो अभी लास्ट शो जो था वो मुझे करना पड़ा उस शो को, मुझे बिल्कुल आनंद नहीं आया, बल्कि मुझे तो छोड़ ही दीजिए,
मेरे सारे को एक्ट्रेस जो थे उस पे, जो मैं जिनको मैं डायरेक्ट करता था, उनको भी आनंद नहीं आया कि नहीं साहब आप जो है वो उतना अच्छा नहीं कर रहे जितना वो करता था। यानी तो मैं ये समझता हूँ कि मुझे आनंद तो निर्देशक रहने में ही आनंद आता है जी। क्योंकि आपने बहुतायत रंगमंच पे निर्देशन ही किया है, ये भी एक वजह होगी, और अभिनेता हैं इसलिए आप ज्यादा उसको हर चीज को एंजॉय भी कर पाते हैं, भरपूर ढंग से उसको रिएक्ट कर पाते हैं। एक और कमजोरी है जो मैं बताना भूल गया, मैं मुझे याद नहीं रहता, मैं भूल जाता। अच्छा, भूलने की भी अभी हमारे मित्र हैं, बहुत ही मित्र, क्या मेरा छोटा भाई है प्रशांत किरवटकर, उसके साथ मैंने 2-3 प्ले किए हैं, उनका एक रंगायन संस्था है, भाऊ खिरवटकर, बहुत पुराने हमारे रंग कर्मी थे, निर्देशक थे मध्य प्रदेश में, उनका एक नाम था, तो वो डायरेक्ट करते थे, तो उनका पुत्र है ये, उनके साथ भी किया मैंने, और इसके साथ मैं एक प्ले करता हूँ जंगल में खुलने वाली खिड़की, आपने सुना होगा, इसमें ओलंपियाड में भी गया था वो, तो उसमें भी मेरी यही बीमारी थी, मैं हालांकि को एक्ट्रेस इतने अच्छे होते हैं और फिर इतने बरस के बाद इतनी आदत हो गई है कि आप उसको मैनेज कर लेते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा एक वो प्रॉब्लम भी है मुझे। ये एक तरह से कभी कभी बड़ा इनोवेटिव भी हो जाता होगा। जी जी बिल्कुल होता है, अरे बड़े किस्से हैं साहब इसके बहुत। जी जी सर, एक बात है कि अब हमारे शेर सुनने पे कोई राजी नहीं, अब हमारे शेर सुनने पे कोई राजी नहीं, कोई राजी नहीं। मिल गए जिस रोज से कव्वाल इंटरनेट पे, मिल गए जिस रोज से कव्वाल इंटरनेट पे, कव्वाल इंटरनेट पे। जी जी जी, क्या कहेंगे इस बारे में, कितना प्रभाव पड़ रहा है, कितना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपका कहना सही है, आप कव्वाल कव्वाल नक्काली हैं और क्या। इसके बारे में मैं क्या कहूँ, नहीं जैसा लोग कहते हैं कि थिएटर तो कभी मरेगा नहीं, सिनेमा आया नहीं मरेगा, टेलीविजन आया, तो तमाम ओटीटी चल रहे हैं, सब कुछ जितने भी मतलब तकनीक तो आ रही है, प्रचार प्रसार के माध्यम बढ़ गए हैं चीजें, उस तरह से हमारे जीवन पे भी उनका असर पड़ ही रहा है, लेकिन बहुतायत हमने और खासकर रंगकर्मियों ने हमेशा इस बात की दुहाई दी है कि रंगमंच कभी मरेगा नहीं, और वाकई नहीं दिखता है कि कभी मरने की ऐसी गुंजाइश होगी, क्योंकि देखिए अभी कोरोना काल में भी जिस ढंग से चाहे ऑनलाइन ही सही रंगमंच तो करते रहे लोग, चाहे उसका प्रसारण करके एक दूसरे से कनेक्ट करके वेबिनार के जरिए, लेकिन एक गतिविधि तो बनी रही, उस अवसाद में भी हम क्रियाशील तो रहे कैसे भी करके, तो वही उम्मीद हमें भी रखनी चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए हम ऐसे ही तत्पर रहें, क्रियाशील रहें। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, और दूसरा तो अभी तो मेरे ख्याल में थिएटर ज्यादा ही आनंदित होता जा रहा है, और बड़ी तेजी से रंगकर्मी इस पे जुड़ रहे हैं, उसकी कई वजह हैं, उसकी ये वजह है, एक तो शौक भी बढ़ रहा है, दूसरा ये वजह है कि ये एक तरीके से लोग अपना स्टेपिंग स्टोन समझ रहे हैं कि यहां से हम बड़े पर्दे या छोटे पर्दे की तरफ जाएंगे, वो एक उन लोगों के दिमाग में रहता है, तो इसलिए हमारा ये हर हर समय किसी भी समय में ये थिएटर जो है खत्म तो नहीं होगा जी। एक बिल्कुल निजी सवाल सर, कि जैसा आपने ही कहा कि ओटीटी फिल्मों में नए किरदार आ रहे हैं, नई चुनौतियां दिख रही हैं, बिल्कुल संभावनाएं अभिनय की भी दिख रही हैं, राजीव वर्मा एक कलाकार एक अभिनेता को अगर ये लोग फुल्ली ऑक्यूपाई कर लेते हैं नए नए किरदार के साथ, नई नई चुनौतियों के साथ, मुंबई वाले, तो क्या वो थिएटर से वास्ता छोड़ देंगे? अरे अब नहीं होता, अब नहीं छोड़ सकते। अभी तो मैं शर्त मेरी है, मैं अभी कर रहा हूँ, आप वहाँ पहले से मैं बता, मैंने कहा भैया पहले एक महीने पहले मुझे बता दीजिए कि आपका कौन सी डेट्स है, पहले तो ये था कि डेट्स कहाँ है भैया, करो ना शूटिंग, महीने में कम से कम 25 रोज करना चाहिए, तब तो वो घर बैठना, जिस दिन घर बैठे उस दिन समझ में नहीं आता था क्या करे, अब वो नहीं है, अब चूंकि इधर व्यस्तताएं हैं और ये मेरा पैशन है, और शो अगर आपका आ गया है विभांशु जी, तो आप शूटिंग पता नहीं
बड़े बहुत से हॉलीवुड फिल्म की हो तो आप नहीं करें, क्योंकि आपकी शो की डेट क्लैश नहीं होना चाहिए। और हमारे भोपाल में ये साहब के इस वक्त रंगकर्मी बेचारे सारे शूटिंग्स में लगे रहते हैं, जहां शूटिंग मिली साहब मेरा शूट है, भले ही वो भीड़ में खड़े हो या एक लाइन बोलना हो दो लाइन बोलना हो, लेकिन शूट का एक ग्लैमर और वहां पैसे भी मिलते हैं नेचुरली, तो वो है। लेकिन अब वो नहीं रहा, अब वो उतना ज्यादा लुभावना नहीं रहा मेरे लिए कोई भी। लेकिन ये बड़ी बड़ी सुखद बात है सर, ये बड़ी खुशी की बात है कि आज एक रंगकर्मी अपनी डेट फिल्मों वालों को बता रहा है। नहीं नहीं बता देता हूँ मैं, अभी करना है तो ये 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 ये, बता ये, ये एक महीना। हाँ जी, ये तो जिनको करना होता तो डेट एडजस्ट करते हैं, नहीं करना हो तो मैंने कहा नहीं करना भाई और क्या। अभी एक बताऊं, एक प्रोजेक्ट में करने वाला हूं ओटीटी पे, करीब 3-4 महीने पहले उन्होंने मुझसे कहा कि आप एक छोटा सा भेज दीजिए सर, ये सीन भेज रहे हैं इसको करके, तो मैंने भेज दिया। फिर उन्होंने कहा नहीं सर इसमें थोड़ा सा ये कर दीजिए। मैंने कहा यार ये क्या तमाशा है यार, इसमें समझ में आ जाएगा तुमको, कराना हो कराओ नहीं कराओ नहीं कराओ। फिर उन्होंने कहा नहीं सर प्लीज कर दीजिए, तो मैंने करके भेज दिया, मैं भूल ही गया। फिर मैंने कहा ठीक है कर दिया। फिर डेट मांगी उन्होंने, मैंने कहा नहीं मेरी तो इस वक्त ये मेरे शोज है इस समय, मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मैं अगर 2 महीने बाद आप करना चाहो तो करो। तो उन्होंने कहा ठीक है सर आई एम सॉरी। मैंने कहा आई एम ऑल्सो सॉरी, खत्म हो गई बात। अभी 15 रोज पहले फिर फोन आया उनका कि साहब वो क्या हुआ, वो उस वक्त पोस्टपोन हो गया था, अब नहीं हो रहा है, अब है। तो मैंने कहा डेट फिक्स कर लेना और मेरे को अभी बता देना 15 रोज के अंदर, अदरवाइज मेरा अप्रैल में शुरू हो रहा है नया प्ले और उसके बाद मई जून तक मैं बिजी हूँ, बीच में 3-4-5 रोज दे पाऊँ। तो ये एक ठीक है, अब मैं बना लिया है। दूसरा ये कि अब वो वजह तो नहीं रहे विवांशु कि हमको किचन चलाना है, हमको घर चलाना है, अब तो माशाल्लाह हम सेटल हो गए हैं। तो वो एक स्टेज भी होना चाहिए एक तरीके से कि आप उस तरफ से निश्चिंत हो जाएं, तभी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और बम्बई में अगर आप उन दिनों हैं जब आपको उसी पर सर्वाइव करना है तो फिर जरा मुश्किल होता है आपको दूसरा काम करना। ये मैं अपने नौजवान साथियों से भी कहना चाहूंगा कि ये बम्बई बहुत इस तरीके से बड़ी मुश्किल जगह है, स्ट्रगल करने वाली जगह है, आपको सर्वाइव करने के लिए करना ही पड़ेगा, कई तरह के ऐसे काम करना पड़ते हैं। कई जगह हम ऐसे फंसते फंसते बचे हैं, मैं आपको बताऊं विभांशु बात हो रही है तो, जिसमें बहुत ही थर्ड फोर्थ रेट किस्म के काम थे लेकिन पता नहीं था, जब सेट पे पहुंचते तब मालूम होता है यार ये काम है तो छोड़ के जाते हैं। तो ऐसे भी, और फिर बेचारे नौजवान जाएंगे उनको कल के लिए खर्चा चाहिए, मकान का किराया देना है, तो उनको ये मौके आ सकते हैं, तब उनको सोचना है कि वो किधर इस तरह के कामों में फंस जाएं, और फंस गए तो एक बार गए जी। बहुत मैं तो कहूंगा कि आप ओटीटी और फिल्मों में भी काम करते रहें, लेकिन जो आपकी ऊर्जा और समर्पण आपका जो रंगमंच के लिए है वो ऐसे ही बरकरार रहे, क्योंकि आप जैसे लोगों की खासकर हिंदी रंगमंच के लिए तो आवश्यकता है, और आपका जो समर्पण है अब थिएटर के लिए वो ऐसे ही बरकरार रहे, मैं तो यही प्रार्थना करूंगा, यही दुआ दूंगा आपको। भले आप फिल्में ओटीटी में जाए गाए बगाए करते रहें, लेकिन जो आपका समर्पण रंगमंच के लिए है वो यूं ही बना रहे। सर देखिए इतनी अच्छी बातें आपके से होती रही और समय का पता नहीं चला कि 1 घंटे के करीब हम आ चुके हैं, तो हम 1 घंटे के अंदर ही सारी बात का खात्मा करेंगे, लेकिन बहुत ही सारगर्भित बातें हुई हैं, सुनने वालों को जरूर इससे लाभ मिलने वाला है। सर एक आखिरी मतलब सवाल कहें कि कोई सपना अधूरा सा है, कोई ऐसा सपना जो आज भी बेचैन किए हुए है, कभी तड़पाता है? नहीं मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं क्या बताऊं आपको, जब स्कूल में थे तो डॉक्टर बनना चाहते थे। दुर्भाग्य से मेरे पिता की मृत्यु जब मैं 8th क्लास में था तभी हो गई, तो उस वजह से कोई लाइन चुनना हमारे हाथ में रहा नहीं, तो जहां पढ़ते थे वहीं पढ़ते रहे जिस स्कूल में, और स्कूल में बायोलॉजी नहीं थी तो वो एक सपना तो वहीं खत्म हो गया। मैथमेटिक्स ही पढ़नी पड़ी, मैं बोल रहा हूँ आपको,
फिर उसके बाद कहा अच्छा चलो ठीक है मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो इंजीनियर बन जाएंगे, तो इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ, आर्किटेक्चर में एडमिशन हुआ तो इंजीनियर होने का सपना वही रह गया। अब आर्किटेक्ट होने के बाद सोचा कि प्रैक्टिस करेंगे, थिएटर करेंगे और खेती करेंगे, हमारे खेती भी सरकारी नौकरी लग गई कम्बा। तो माँ ने कहा कि भैया सरकारी नौकरी बड़ी मुश्किलों से मिलती है और वो भी गजेटेड पोस्ट, तुम्हें तो करनी पड़ेगी साहब। वो इतना प्रेशर सब रिश्तेदारों ने डाला कि मुझे वो नौकरी करनी पड़ेगी, तो वो सपना जो था मेरा। तो इस तरीके से सपनों का मिटना गिरना ये होता रहा है, तो मैं अब इम्यून हो गया था इनकी वजह से, तो मैंने कोई सपना नहीं देखा। उसके बाद मैंने कहा जैसी जिंदगी चल रही है साथ में थिएटर हो, बस रंगकर्म हो जिसपे आप हर प्रकार का किरदार हर प्रकार का सपना पूरा कर सकते हैं कोई भी, और बाकी किरदार जो बचे हुए थे मैंने फिल्मों में कर लिए। मैं बड़ा भारी इंडस्ट्रियलिस्ट हो गया और फिर तबीयत हुई कि यार मैं तो पक गया हूँ ये सूट पहन पहन के और टाई लगा के और बिजनेसमैन होके, कहीं गरीब का एक बेचारे भिखारी टाइप का एक रोल मिले तो बड़ा, तो सब वो सपना भी पूरा हो गया। एक मेरा सीरियल छोटी बहू अगर आपको याद हो, जी टीवी पर चलता था छोटी बहू, उसमें एक बहुत ही गरीब पुजारी जो दक्षिणा और पूजा पाठ पर अपना अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता था, वो किरदार मिल गया मुझे। तो मेरे सारे सपने जो हैं वो ऐसा नहीं है, उन सपनों टूटने के पीछे कोई नया सपना मिल गया मुझे अपना, और उसको ही मैंने अपना सपना मान लिया, परिपूर्ण उसी में हो गया, तो मैं उसी का आनंद लेता रहा हूं। और उसके बाद अब ईश्वर की दया से आप सबकी दुआओं से हम दोनों सुखी हैं, हम दोनों थिएटर कर रहे हैं साथ में, दोनों घूमते फिरते हैं पढ़ते लिखते हैं, दोनों बच्चे अपने अपने परिवार अपने नाथ हमारे पोते पोतियां भी हो गए हैं, तो आनंद में है। जी जी ऐसा सुखमय जीवन सबका हो सर, और आपकी ये तत्परता कर्मठता रंगमंच के लिए बनी रहे यही कहूंगा। और आखिर में जाते जाते सर यही कहूंगा कि आपके लिए कि मैं तो दरिया हूं मेरा रुख मोड़ दे ये किसमें हिम्मत है, मैं तो दरिया हूं मेरा रुख मोड़ दे ये किसमें हिम्मत है, मैं अपनी राह चट्टानों से टकरा कर बनाता हूं। क्या बात, तो आपने हर राह बनाई है अपने लिए, रास्ते निकाले हैं, नौकरी में रह के भी, फिल्मों में रह के भी, परिवार में रह के भी, तो ईश्वर आपकी का ये संतुलन ऐसे बनाए रखें और आप ऐसे ही तत्पर रहें। अपने व्यस्ततम समय में आपने इस रंगनाथ कार्यक्रम के लिए अपना समय दिया, हम सब लोग आपके आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत आनंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद विभाषु जी। मैं चाहूंगा कि मेरे इस वीडियो के जरिए अगर केवल रंगकर्मी नहीं, जो रंगकर्मी नहीं है वो भी अगर इसको सुन रहे हो तो वो इससे प्रभावित हो, रंगकर्म से किसी ना किसी रूप में जुड़े, क्यों हमारे देश को सबसे ज्यादा आज संवेदनशील नागरिक की आवश्यकता है, जो हमारे देश का युवा नागरिक हो और युवा अधिकारी हो, युवा पुलिस अधिकारी हो, नेता हो, और नेता और अगर अधिकारी संवेदनशील होंगे तो हमारा देश विश्व गुरु बनने में कोई कसर नहीं बाकी रहेगा, ऐसा मैं समझता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।